हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का चैप्टर 21, जिसमें आई एम गोइंग टू टीच यू स्टोरी राइटिंग, हाउ टू राइट ए स्टोरी। देखें यहाँ पे दिया है कहानी लेखन, कैसे हम कहानी लिखते हैं। तो ये कहानी है टू गोट्स, दो बकरियों पर, दो बकरियों पे कैसे कहानी लिखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि दो बकरियां हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड से वो एक दूसरे को क्रॉस करना चाह रही हैं, एक नदी के पुल पर वो दोनों हैं। देखें इस पर कहानी कैसे लिखेंगे, वो लिख करके आपको बताया गया है, उसको हम पढ़ेंगे और आप ध्यान से सुनेंगे और उस तरीके से आप कहानी बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी राइटिंग टू गोट्स। देखें, वंस देयर वॉज अ नैरो ब्रिज ओवर अ रिवर। वंस, एक बार, देयर वॉज अ नैरो ब्रिज, ए नैरो, नैरो मीन्स होता है संकीर्ण या शंकरा या पतला भी कह सकते हैं। ब्रिज मीन्स होता है पुल, ओवर ए रिवर, ओवर मीन्स पर, ए रिवर एक नदी। कह रहा है कि एक बार एक नदी के ऊपर या एक नदी पर एक संकरा पुल था। क्या था? एक संकरा पुल था। संकरा मतलब पतला, जैसा कि देख रहे हैं इतना पतला है कि एक ही बकरी इस पर आया जा सकती है। टू गोट्स बिगेन टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम द अपोजिट साइड्स। टू गोट्स, दो बकरियां, बिगेन टू क्रॉस, पार करने लगी द रिवर, नदी को, फ्रॉम द अपोजिट साइड्स, एक दूसरे या एक विरोधी तरफ से या विरोधी पक्ष से। कहने का आशय यह है कि एक विपरीत दिशा से। टू गोट्स बिगेन टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम अपोजिट साइड्स, यानी कि दो बकरियां विपरीत दिशाओं से नदी को पार करने लगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नदी है, ये पुल है, और दो बकरियां एक दूसरे को, एक दूसरे या एक विपरीत दिशा में पार कर रही हैं। होता क्या है, इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज दे केम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज, पुल के बीच में, इन द मिडिल बीच में, ऑफ द ब्रिज पुल के बीच में, दे केम, वे आए, इन फ्रंट ऑफ के सामने, ईच अदर एक दूसरे के, पुल के बीच में एक दूसरे के सामने वे आ गई। कौन? वो दो बकरियां। पुल के बीच में वे एक दूसरे के सामने आई। देयर वॉज नॉट एनफ स्पेस फॉर द गोट्स टू पास ईच अदर। और आगे बता रहा है कि देयर वॉज नॉट एनफ स्पेस, यानी कि पर्याप्त स्थान नहीं था। एनफ मीन्स होता है पर्याप्त, स्पेस मीन्स जगह, पर्याप्त जगह नहीं थी फॉर द गोट्स, बकरियों के लिए, टू पास, गुजरने के लिए या जाने के लिए, ईच अदर एक दूसरे को। कह रहा है और बकरियों को एक दूसरे से पार जाने का पर्याप्त स्थान नहीं था, अर्थात एक समय में एक ही बकरी आ जा सकती थी। बोथ ऑफ देम वॉन्टेड टू क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट। बोथ ऑफ देम उनमें से दोनों वॉन्टेड, चाहती थी, टू क्रॉस, पार करना द ब्रिज, पुल को, फर्स्ट, पहले। उनमें से दोनों पुल को पहले पार करना चाहती थी। दे बिगेन टू क्वेरल, दे मीन्स वे, बिगेन शुरू कर दी, टू क्वेरल झगड़ा करना, वे झगड़ा करना शुरू कर दी या वे झगड़ने लगी, एंड फेल इन टू द रिवर, और नदी में गिर गई। फेल मीन्स होता है गिरना, और नदी में गिर गई दोनों बकरियां। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ पुल को पार करना चाहती थी और इस चक्कर में वो दोनों आपस में झगड़ा कर ली, परिणाम हुआ कि दोनों नदी में गिर गई। अब देखें होता क्या है, देखेंगे आप, जैसा कि आगे दिया हुआ है फिर वही सीन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो तस्वीर है बदल दिया गया है। क्या बदलाव हुआ है देखेंगे आप। यहाँ पे उस सीन में बकरियों को एक दूसरे के अपोजिट
पार करते हुए खड़ा दिखाया गया था पुल पर, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि एक बकरी झुकी है, बैठी हुई है और एक ऊपर से क्रॉस कर रही है। तो देखें क्या सीख मिला उनको, कैसे कहानी लिखी गई है, ध्यान से देखेंगे। अनदर टाइम अगली बार द टू गोट्स स्टार्टेड टू क्रॉस द ब्रिज फ्रॉम द अपोजिट साइड्स। अगली बार या दूसरी बार दोनों बकरियां स्टार्टेड शुरू कर दी टू क्रॉस, पार करना द ब्रिज पुल को फ्रॉम द अपोजिट साइड, विपरीत दिशा से। कह रहा है कि अगली बार या दूसरी बार दोनों बकरियां विपरीत दिशाओं से या विपरीत दिशा से पुल को पार करना शुरू कर दी या पार करने लगी, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है यहां पर। दे वर वाइज गॉट। अब ये बुद्धिमान बकरियां हो गई थी, क्यों? क्योंकि उनको पता हो चल गया था कि अगर हम फिर झगड़ेंगे तो फिर नदी में गिर जाएंगे। तो वही कह रहा है कि दे वर वाइज गॉट्स, अब वो चतुर बुद्धिमान बकरियां हो गई थी। दे डिड नॉट फाइट, वे लड़ाई नहीं की। वन गोट बेंट डाउन, एक बकरी बेंट डाउन नीचे झुक गई, एक बकरी नीचे झुक गई। द अनदर गॉट क्लाइम्ड ओवर हर, और अनदर गॉट दूसरी बकरी क्लाइम्ड चढ़ गई ओवर हर उसके ऊपर, और दूसरी बकरी उसके ऊपर चढ़ गई, जैसा कि आपको दृश्य में दिखाई दे रहा है कि एक झुक गई है और दूसरा उसके ऊपर से क्रॉस कर रही है। इन दिस वे, और इस तरीके से बोथ द गोट्स, दोनों बकरियां, और इस तरीके से दोनों बकरियां क्रॉस्ड, पार कर ली द ब्रिज पुल को, और इस तरीके से दोनों बकरियां पुल को पार कर ली। तो इस तरीके से ये कहानी लिखी गई है, आप भी उसे देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, तो आप भी कोई दूसरी कहानी लिख सकते हैं। अब आइए इसके अगले पार्ट पर चलते हैं। अब देखें यहाँ एक और कहानी आपको दी गई है, वो किसकी कहानी है? द वाइज क्रो। इसके पहले कौन सी कहानी आपको बताई गई? टू गोट्स। यहाँ पे फिर आपको बताई जा रही है द वाइज क्रो, बुद्धिमान कौवा। इस पे क्या कहानी है, कैसे लिखी गई है, अगर आपको लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। द वाइज क्रो। वंस अ क्रो वाज वेरी थर्स्टी। वंस, एक बार अक्रो, एक कौवा वाज था वेरी थर्स्टी, वेरी बहुत थर्स्टी, प्यासा। एक बार एक कौवा बहुत प्यासा था। ही सर्च्ड फॉर वाटर एट मेनी प्लेसेस बट कुड नॉट फाइंड इट। ही सर्च्ड, उसने तलाश किया, उसने खोजा। फॉर वाटर, क्या? पानी। एट मेनी प्लेसेस, कई स्थानों पर, वह कई स्थानों पर, कई जगहों पर पानी का खोज किया, पानी को तलाशा। बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन इसे पा न सका। क्या न पा सका? पानी। कौन? कौवा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद, ही सॉ ए पिक्चर ऑफ वाटर। ही, वह सा देखा, ए पिक्चर, एक घड़ा, ऑफ वाटर, पानी का। काफी समय के बाद वह एक पानी का घड़ा देखा। ही फ्लू टुवर्ड्स इट, और उसके बाद हुआ क्या? ही फ्लू, वो उड़ा, टुवर्ड्स इट, इसकी ओर, और उसके बाद देखें वो इसकी ओर उड़ा, किसकी ओर? घड़े की ओर। ही सा इन टू द पिक्चर, वह सा देखा इन टू द पिक्चर, घड़े में, वह घड़े में देखा। बट देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन इट, लेकिन देयर वॉज अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी था इन इट, इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा ही पानी था, किसमें? घड़े में। अब देखें होता क्या है, चूंकि कौवा वाइज है, वो क्या तरकीब सोचता है, आइए देखते हैं। ही थॉट, वह सोचा कि हाउ कैन आई गेट द वाटर, सोचा वह कि हाउ कैन आई गेट, मैं कैसे पा सकता हूं द वाटर, पानी, मैं पानी कैसे पा सकता हूं, क्यों? क्योंकि वो अपने चोंच को उस घड़े में डाल रहा था, लेकिन पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो इसीलिए वो सोचा कि मैं पानी कैसे पा सकता हूं। ही लुक्ड अराउंड, वो चारों ओर देखा, और आप देखेंगे दृश्य को जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पानी को पीने का प्रयास कर रहा है लेकिन मिला नहीं, उसके बाद वो यहां से उड़ा है, और देखिए होता क्या है, देखेंगे आप अगले सीन में। देखें दिया है, ही लुक्ड अराउंड,
वो चारों तरफ देखा एंड फाउंड सम पेबल्स एंड फाउंड और पाया सम कुछ पेबल्स कंकड़। वो चारों ओर देखा और कुछ कंकड़ों को पाया। ही स्टार्टेड ड्रॉपिंग पेबल्स वन बाय वन इंटू द पिचर। ही स्टार्टेड वो शुरू कर दिया ड्रॉपिंग छोड़ना पेबल्स कंकड़ों को वन बाय वन एक एक करके इंटू द पिचर। कहां घड़े में। वो घड़े में एक एक करके कंकड़ों को छोड़ना शुरू कर दिया या छोड़ने लगा। जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा एक एक कंकड़ ला रहा है और इस घड़े में वो डाल रहा है। अब देखें आगे क्या होता है। द वाटर लेवल रोज अप। द वाटर लेवल जो पानी का सतह था, पानी का सतह रोज अप ऊपर उठा, पानी का सतह ऊपर उठा। ही ड्रैंक द वाटर। ही वह ड्रैंक पिया द वाटर पानी, वह पानी पिया। एंड फ्लू अवे हैप्पीली। एंड फ्लू अवे और उड़ गया हैप्पीली प्रसन्नता पूर्वक या खुशी से, और खुशी से वह उड़ गया। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि वो कंकड़ डाल रहा है और यहाँ पे जब पर्याप्त कंकड़ हो गया तो पानी का सतह ऊपर आ गया और इस तरीके से वह आसानी से पानी पिया और उड़ गया। तो ये कहानी थी द वाइज क्रो यानी कि बुद्धिमान कौवे की। तो इस तरीके से ये कहानी लिखी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसे छोटे छोटे कहानी लिखेंगे और हम ये आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।